तो सत्पुरुष के निकट बैठने से उसके आभा मंडल से जो परमाणु संचारित होता है वो कभी मौन और कभी मुखर होकर आपके हृदय की ग्रंथि का छेदन करता है, चित्त का अंधकार दूर होता है, मन का मैल दूर होता है संत के पास बैठने से। स्वामी हरिदास जी कहते कह हित कीजे साध संगति सो जावे कलमश जी को। और इसके अतिरिक्त कोई और युक्ति नहीं है, कोई और साधन नहीं है। खूब पढ़ लीजिए, खूब जान लीजिए, खूब समझ लीजिए, उल्टे और बुद्धिमान हो जाएंगे। और जितने बुद्धिमान होंगे उतना तर्क बढ़ेगा मन में, जितना तर्क बढ़ेगा उतने कुतर्क उपस्थित होंगे। मशीन की नोक पर भगवान सिद्ध नहीं होते, भगवान अनुमान से सिद्ध नहीं होते, भगवान अनुभव से सिद्ध होते हैं। सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। रूह से महसूस करो, आत्मा के धरातल पर उतरना पड़ता है मन बुद्धि चित्त को लांघते हुए। अभी आप और मैं खड़े हैं कहां? मन के धरातल पर। जहां मन गया वहां आप गए, जहां मन ले गया वहां आप चले गए। तो अभी आप और मैं कहां है? मन के धरातल पर। अर्थात जी जीवन जीने का सबसे सबसे उछला स्तर है। जैसे सागर है, सबसे पहले तरंगे हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। आप देखो मन भी तो ऐसा ही है, मन में कितनी तरंगे हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं। तरंगों के साथ क्या किया जा सकता है? थोड़ी देर के लिए क्रीड़ा की जा सकती है बस। फिर उसके थोड़ा भीतर कोई उतरे तो मछलियां हैं, और भीतर कोई जाए तो औषधियां हैं, और बहुत भीतर कोई चला जाए समुद्र के तल तक कोई पहुंचे तो फिर मोती है। ऐसे ही मन है, फिर बुद्धि है, फिर चित्त है, फिर अहं अपना सूक्ष्म अहम है। मन के धरातल पर जीवन जी रहे हैं अभी आप और मैं। मन किया तो सिनेमा चले गए, मन किया तो कथा में आ गए। यद्यपि ये मन का आना अच्छा है, ये तो भगवत कृपा है, पर है ये मन का ही धरातल, ये है ये मन का ही धरातल। इस स्तर से थोड़ा और आगे कोई पहुंचे तो फिर बुद्धि है। जब आपकी बुद्धि स्वीकार कर लेती है, when you are convinced at the level of your mind, जब आपकी बुद्धि स्वीकार कर लेती है तो फिर बुद्धि में श्रद्धा प्रकट होती है। आप किसी के रूप की तरफ, किसी के गुण की तरफ आकर्षित हो जाएं, फिर आपका मन धीरे धीरे उसे अपना मानने लगता है, उसे स्वीकार करने लगता है। जब आपको लगता है कि अमुक व्यक्ति हमारा हित कर सकता है तो फिर उसके प्रति श्रद्धा जन्म लेती है। श्रद्धा बुद्धि का गुण है, मन का नहीं। मन आकर्षित हो सकता है, एंड लव स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फैचुएशन। आकर्षण आवश्यक है, इसलिए मन के भाग को नकारा नहीं जा सकता। बहुत बार क्या होता है, कोई अपने मन को ही मारने का प्रयास करता है, मन का ही दमन करने का प्रयास किया जाता है। मन को मारिए नहीं, मन को भगवान की ओर मोड़िए। मन मरे ना, जो मन में है वो स्वीकार है भगवान को। भगवान को क्रोध भी स्वीकार है, भगवान को काम भी स्वीकार है। स्वीकार किया भगवान ने, कुब्जा का काम स्वीकार किया। पर जैसे अग्नि में जो वस्तु डालो वो अग्नि हो जाती है, ऐसे श्री कृष्ण है। आप जो भाव उन्हें निवेदन करेंगे वो कृष्ण होकर लौट कर आएगा। कृष्ण अर्थात घनश्याम, नवनील नीरद सुंदर मधुर। कृष्ण अर्थात अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम तिलकम मधुर चलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुर। कृष्ण अर्थात महामाधुर्य, ये जीवन में आपके जीवन में मिश्री सी घोल दे, जीवन को उत्सव बना दे, वो कृष्ण। क्षमा करना, मैं किसी देव की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे कृष्ण की बात कर रहा हूं, जो इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। मुझसे अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार ने पूछा, कृष्ण तत्व की व्याख्या कैसे करेंगे आप? मैंने कहा जिसकी व्याख्या न की जा सके वही कृष्ण है,
जिसकी व्याख्या न की जा सके, फिर भी आपने पूछा है और मैं अपने आप को बुद्धिमान व्यक्ति समझता हूं, तो मैं आपको उत्तर दे ही देता हूं। आप पूछा है कि कृष्ण की व्याख्या कैसे की जाए, तो जो इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है, अक्षुण्ण, अखंड, अच्छेद, अभेद, शाश्वत, सनातन, सबसे पुराना, और शंकराचार्य कहते सबसे नया, दिने दिने नवम 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 नमामि नंद संभव। मायरी आज और काल और छिन छिन प्रति और चतुर्भुज दास कहते हैं, अपने प्रभु के रूप माधुरी का गान करते हैं, मायरी आज और काल और छिन छिन प्रति और दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव। कभी कभी यात्रा पर होता हूं तो एयरपोर्ट पर कभी कोई मिल जाता है, फिर कोई पूछता है ना आप क्या क्या करते हैं, तो मेरे पास कोई उत्तर तो होता नहीं, क्या बताऊं क्या करता हूं, क्योंकि ये समाज ऐसा है, अगर यहां पर ये कह दिया जाए भजन करते हैं तो बोले नहीं भजन तो ठीक है, करते क्या है, भजन वजन तो सब ठीक है, ये बताइए करते क्या है। अब वैसा करने को मेरे पास कुछ है नहीं, अब तो मुझे उत्तर मिल गया, मैं कह देता हूं अपने प्रभु की कृपा से आराम करता हूं, बाकी सब लोग काम करते हैं मैं आराम करता हूं। सुख पाया, सुख पाया रह तेरी, सुख पाया, सुख पाया, जन नानक की अरदास, जन नानक की अरदास, सदा सुख पाया, सुख पाया, पर इतने से संतोष नहीं होता, इतने से संतोष नहीं होता पूछने वाले को। एक बार किसी ने पूछा आप कोई सेलिब्रिटी हैं क्या, तो मैंने कहा हां, और मैंने झूठ नहीं कहा, बिकॉज आई थिंक आई एम अ सेलिब्रिटी इंडीड, बिकॉज बाय द ग्रेस ऑफ माय कृष्णा आई एम सेलिब्रेटिंग माय लाइफ ईच एंड एवरी मोमेंट। मैं अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का उत्सव मना रहा हूं मेरे कृष्ण की कृपा से। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि वस्तुतः जब ये जीवन में आते हैं, जब इनका माधुर्य उतरता है जीवन में, तो जीवन उत्सव बनता है। और आप देख लो, कभी कभी कोई व्यक्ति वर्ष भर प्रतीक्षा करता है उत्सव आएगा तो मनाएंगे, कभी कभी कोई वर्ष भर प्रतीक्षा करता है भाई उत्सव का दिन आएगा तो मनाएंगे, और कभी कभी भगवान की और गुरुजनों की ऐसी कृपा होती है जहां आप जाओ वहीं पर उत्सव होने लगता है। तो ये क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि मैं अतिशयोक्ति नहीं कहूंगा, मैं अपने अनुभव के अतिरिक्त आपसे कुछ नहीं कहूंगा, और ये मेरे जीवन का छोटा सा अनुभव है। जब कृष्ण आते हैं जीवन में तो जीवन उत्सव बनता है, उत्सव मूर्ति उतरते हैं जब आपके जीवन में, जब आपकी चेतना में घुलती है उनकी मिठास, जब आपकी जिह्वा पर होता है नाम, नेत्रों में होता है रूप, हृदय में होती है उनकी लीला। हरि तेरी लीला की सुधरा, जब चित्त होता है भगवान की लीला में और आशा होती है भगवान के धाम में पड़ जाने की, जब इस प्रकार घुलते मिलते हैं श्री कृष्ण आपके जीवन में, तो जीवन वस्तुतः उत्सव बनता है, जीवन उत्सव बनता है। श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैनारो सणगार, नैनारो सणगार मारा हैडा केरो हार, श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैनारो सणगार। और
मोह गए बिन राम पद हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक संसार में सुख का भ्रम है तब तक भगवान से प्रेम सुदृढ़ हो नहीं सकता। जब तक आपको संसार से सुख की आशा लगी है, जिस दिन पूर्ण रूप में निराश हो जाता है मन संसार से, जिस दिन मन कहेगा अब मैं नाचो थक्यो, जिस दिन आप थक जाएंगे, जिस दिन आप हार जाएंगे, उसी दिन जीत होगी। पर आप देखो ये भगवान की कैसी माया है, दुरत्या भगवान की माया। खूब धक्का खाता है संसार से जीव, खूब धक्का खाता है। मंदिर में धक्का पड़ जाए तो कितना उधम करता है। खूब धक्का खाता है संसार से, खूब अपमानित होता है, खूब पीड़ित होता है, लेकिन फिर भी जब भगवान के सन्मुख होता है मांगता संसार ही है। ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। और भगवान कहते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते। भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन जब तक कोई मेरे शरणागत नहीं होता मेरी माया उसे मार्ग देती नहीं। कहा रसखान भय संपत्ति सुमार महा, और कहा तन जोगी है लगाए अंग छार को, कहा साधे पंचानल कहा सोए बीच जल, कहा जीत लियो राज सिंधु आर पार को, जप बार बार व्रत संयम हजार, वेद गाए बीस बार अरे बूझत लवार को, सोई है गमार जिस कियो नहीं प्यार, और नहीं पायो दरबार या नंद के कुमार को। एकमात्र जीवन का विश्राम। और इसे मेरा कोई पक्षपात ना समझिएगा कि मैं कृष्ण की आराधना करता हूं इसीलिए कह रहा हूं। आप ये ना समझिएगा मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। आप ये ना समझिएगा कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है, पर इतना विश्वास अवश्य करिएगा कि जो सत्य है मैं आपसे वही कह रहा हूं। मैं सत्य ही आपसे कह रहा हूं। ये जीवन का, ये प्राणी मात्र का एकमात्र सत्य है, इस अस्तित्व का एकमात्र सत्य है। तो भगवत कृपा से आपको मुझे अवसर मिला ये यात्रा आरंभ करने का, क्योंकि सत्संग से ही आरंभ है इस सत्य की ओर, इस यात्रा का। तो आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट के लिए श्री जी का नाम उच्चारण कर लीजिए। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, 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 गिरिराज श्री जी तमरी शरण, गिरिराज शरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज शरण श्री जी तमरी शरण, गिरिराज शरण श्री जी तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ 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 तमरी शरण। दोनों हाथ उठा के तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण, कुर्सी पे जितने बाबू लोग बैठे हैं, खास तौर से आप सब लोग, दोनों हाथ उठा के कहिए गिरिराज शरण।
शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण चला जाए तो अर्थात अपनी आज की परीक्षा में मैं अनुत्तीर्ण हो गया। आपके लिए नहीं, मैं तो अपने लाभ के लिए कहता हूं भाई, मुझे अनुत्तीर्ण नहीं होना। इसलिए प्यार से, दुलार से, कभी कभी फटकार से, कैसे भी, पर एक बार तो आपकी जिह्वा पर कृष्ण नाम आए, मेरे लिए आवश्यक है ये। असल में क्या होता है, कुर्सी का स्वभाव होता है, एक कुर्सी पर बैठते ही कुछ होश आ जाता है ना। श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण गिरिराज धरण श्री जी 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 तमरी शरण जैसे उड़ी जहाज को पंछी और पुनी जहाज पे आवे। आप विश्व भ्रमण करके आइए बाप, पर लौट कर आते हैं आप अपने घर में, सुख मिलता है अपने घर में। आप देखना कभी भी आप अलमस्त होकर रह सकते हैं तो अपने घर में रह सकते हैं, कहीं और नहीं। कहीं और आपको सावधान रहना पड़ता है, चिंतित रहना पड़ता है, आपकी छवि का ध्यान रखना पड़ता है आपको। अपने घर में आप अलमस्त रह सकते हैं, अपना घर, आपका जो सहयोगी आपका सहयोग करता है आपके घर में, आपके घर में नहीं आपके महल में, आपके उस सहयोगी को भी सांझ होते ही अपनी कुटिया में जाना है। यद्यपि वो आपके महल में रह रहा है पर उसे जाना है अपनी झोपड़ी में, क्योंकि वो अपनी है। ऐसे ही जब तक जीव अपने घर नहीं पहुंचता तब तक सुख नहीं पाता।
देखो बाप, आपके मेरे सबके सर पर बोझ रखा है, ये बात दूसरी है। किसी के सर पर मिट्टी की ईंट रखी है, किसी के सर पर सोने की, पर है तो सभी के सर पर कर्म का बोझ। जब तक जीव निर्भर न हो जाए गुरु की कृपा से, और सदगुरु की कृपा जीव को अपने घर ना पहुंचाए। सूरदास कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उन्हीं जहाज पे आवे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। जब आपकी चेतना, आपकी अंतरात्मा निकट पहुंचती है कृष्ण नाम रूप के, कृष्ण लीला के, कृष्ण चरणारविंद के, आपकी आत्मा को अपना विश्राम अनुभव में आता है। आप गाते हैं मेरे साथ, मेरे कहने से कौन गाता है बाप, मेरे कहने से कौन गाता है? और गा भी ले, मेरे कहने से कृष्ण कह तो लेंगे आप, पर मेरे कहने से कृष्ण नाम का सुख थोड़ी आपको मिलेगा। आप गाते हैं क्योंकि आपको सुख मिलता है। यहां तो मेरा पहली बार आना हुआ, कहीं कहीं ऐसी ऐसी जगह पर मैं जाता हूं कि जहां मुझे 4 बजे आना है तो 12 बजे से आकर लोग प्रतीक्षा करते हैं। ये मेरी उपलब्धि नहीं है, पर ये उपलब्धि अवश्य है कि आप जिसका सुख लेने के लिए आते हैं, मैं आपको नहीं देता। मेरे कहने से आप कृष्ण कह लेंगे, पर मेरे कहने से आपको कृष्ण नाम का सुख नहीं मिलेगा। आपको कृष्ण नाम का सुख इसीलिए मिलता है क्योंकि आपकी आत्मा का भी वही विश्राम है। जिसका नाम आप लेते हैं वो आपका भी अपना है, वो आपका भी परम प्रेमास्पद है, इसलिए आपकी आत्मा सुख पाती है, आनंद पाती है। पर आप मेरे साथ गाते हैं, और इतने के बाद भी जो नहीं गाए, मैं तो देखो भाई एक सीधा सा सूत्र लेकर चलता हूं। आपने बुलाया, आपका बड़ा धन्यवाद, मुझे अवसर मिल रहा है। रूठ जाओगे तो ज्यादा क्या हुआ, अगली बार नहीं बुलाओगे, बस इतना ही तो। जैसे मीरा कहती ना, राणा जी रूठे मारो कहीं कर लेसी, मैं तो हरिगुण गास्या रिमाई। ऐसे मैंने मीरा जी से सीखा, लाला जी रूठे मारो कहीं कर लेसी। व्यासपीठ सत्य का महिमा मंडन करने के लिए है। अरे प्रभु की कृपा से आ गए हो यहां तक, इस अवसर का लाभ ले लो, दोनों हाथ उठा के। श्री कृष्ण शरण बाबा, 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 श्री कृष्ण शरण
तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण श्री जी तमरी शरण वल्लभ तमरी शरण गिरिराज धर श्री जी तमरी शरण गिरिराज धर श्री जी तमरी शरण। तो यात्रा का आरंभ मन से ही है, पर यह विश्राम नहीं है। निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि मन में आया भजन करें, इतना ही पर्याप्त नहीं है। यात्रा का आरंभ मन से ही है। सबसे पहले मन ही आकर्षित होता है किसी की ओर। समर्पण तो आकर्षण के बहुत बाद का विश्राम स्थल है। समर्पण तो भक्ति की परिणति है, भावना का शिखर है। मन से ही आरंभ होता है ये। आकर्षित होते हैं आप किसी की ओर। सतत अभ्यास करने के पश्चात बुद्धि में श्रद्धा का आविर्भाव होता है। और मन और बुद्धि अगर एक दिशा में आगे बढ़े तब भावना चित्त का स्पर्श करती है। मन और चित्त में भेद है। बहुत बार हम इसे एक ही समझ लेते हैं, पर मन और चित्त के मध्य में बुद्धि है। मन से आरंभ होता है, बुद्धि अनुगामिनी होती है, चित्त अनुकूल होता है। तो मन और बुद्धि एक दिशा में जाए, और प्राय करके ऐसा होता नहीं, मन कहीं और जाता है, बुद्धि कहीं और जाती है। मन कुछ और कहता है, बुद्धि कहीं कुछ और कहती है। कभी आपने विचार किया हो, बहुत बार ऐसा होता है कि आप संकल्प लेते हैं, उसे पूर्ण नहीं कर पाते। बहुत छोटी सी बात है, आपने सोचा करेंगे, नहीं कर पाए। आप ही कहने वाले थे कि करेंगे, और कोई आपको रोकने वाला नहीं था, पर आप नहीं कर पाए। एक ही कारण है, आत्मबल क्षीण है। आपका आत्मबल क्षीण है। आत्मबल क्षीण क्यों है? बिकॉज लाइफ एनर्जी इज स्कैटर्ड। आपका मन कुछ और कहता है, आपकी बुद्धि कुछ और कहती है, आपकी जिह्वा कुछ और कहती है, आप करते कुछ और हैं। क्योंकि आपकी चेतना, आपकी जीवनी शक्ति बिखरी है। मन विचार किसी और वस्तु का करता है, बुद्धि चिंतन किसी और का करती है, आपके शब्द कुछ और कहते हैं, आप कर देते कुछ और हैं। आत्मबल की शिथिलता के कारण आप अपना ही संकल्प पूरा नहीं कर पाते। मैं बहुत बड़े संकल्प की तो क्या कहूं, सुबह जल्दी जग जाएंगे, इतना ही नहीं होता। कहां होता है, जग जाएंगे पर नहीं जग पाते, कल जग जाएंगे फिर नहीं जग पाते। और कई बुद्धिमान लोग तो आधा घंटा अलार्म ही स्नूज पर डालते रहते हैं। अरे मुझे लगता है कि भाई आधा घंटा बाद ही में उठना था, तो वो आधा घंटा तो सो लेते चैन से। सात ही पे जगना था तो छह प्रयास क्यों करना था। और वैसे भी जल्दी जगने के लिए मुझे लगता है जल्दी सोना चाहिए, अलार्म की कोई जरूरत नहीं होती। जल्दी सोइए, जल्दी जग जाएंगे। चलिए, मैं कह रहा था कि इतना भी संकल्प पूरा नहीं होता। और अपने मन की दुर्बलता का बोध होता है जब कभी जीवन में ऐसा अनुभव होता है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपसे बांटना चाहूँगा कि जब जीवन में साधन काल का आरंभ हुआ तो मुझसे एक संत ने कहा कि तुम्हें अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, सुबह सुबह नहीं पढ़ना चाहिए, ये भांति भांति की चर्चाएं अपने भीतर ले जाने का कोई लाभ नहीं है, साधक को इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। तो मैंने कहा महाराज क्या बड़ी बात है, अखबार ही तो नहीं पढ़ना, कल से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन वो जो अखबार पढ़ने का समय हुआ तो बचते निकलते मैं पहुंच ही जाता था अखबार के पास। पहली बार मुझे अनुभव हुआ कि कितना कठिन है जीवन में संयम साधना। आप अपने शब्दों का आदर करें, ये बड़ी बात है। जब आप अपने शब्द का, आप अपने संकल्प का आदर नहीं करते, आप कैसे अपेक्षा रख सकते हैं दूसरा आपका आदर करेगा।
जब आप ही अपने शब्द का आदर नहीं करते, आप ही अपने विचार का आदर नहीं करते, आप ही अपने आप को दिए गए अपने वचन का आदर नहीं कर पाते, दूसरा आपका आदर कैसे करे? आप जीवन भर सम्मान मांगते हैं, हमें सम्मान नहीं मिला। जीवन भर लोग इसी विषाद से ग्रस्त रहते हैं कि हमें जीवन में प्रेम और सम्मान नहीं मिला। अरे आपने स्वयं का सम्मान नहीं किया। देखिए, जिस घड़ी आपके मन को खबर पड़ जाए भगवान का भजन सत्य है, आत्म कल्याण मनुष्य जीवन का कर्तव्य है, उसके पश्चात आप नहीं करते, आप अपनी प्रज्ञा का अनादर करते हैं, आप अपनी अवहेलना करते हैं। यू डिवैल्यूएट योर सेल्फ। आप अपनी अवहेलना करते हैं, आप अपनी प्रज्ञा का अनादर करते हैं। सम्मान मांगिए मत, स्वयं को दीजिए। इट्स वेरी ब्यूटिफुल वर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट। पर हम, बट वी वॉन्ट सेल्फ रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। आप चाहते दूसरा आपका सम्मान करे, आप स्वयं अपना सम्मान करिए। आपका गौरव बढ़ेगा, आपकी गरिमा बढ़ेगी, आपके आभा मंडल में, आपके आभा मंडल में वो ओज तेज आएगा कि आपको प्रणाम मांगना नहीं पड़ेगा, आपको सहज में मिलेगा। एक व्यक्ति के आभा मंडल में इतना गौरव होता है कि उसके पहुंचते ही कोई परिचित हो अपरिचित हो उसके सम्मान में खड़ा हो जाता है। मैं स्कूल में बच्चों से संवाद कर रहा था तो मैंने कहा कि सुबह सुबह उठकर सूर्य को प्रणाम करना अवश्य चाहिए, और ये कोई धर्म या परंपरा नहीं है, ये तो सीधा सीधा जीवनी शक्ति से अपने दिन का आरंभ करना है। हम सूर्य से जीवनी शक्ति लेते हैं, हम सूर्य से शक्ति ग्रहण करते हैं, प्रकाश ग्रहण करते हैं। सन सिंबलाइज मूवमेंट इन लाइफ। जीवन की जड़ता दूर होती है, सूर्य उदय के साथ साथ आप जगने का प्रयास करते हैं, तो सूर्य आपके जीवन में जागृति का संदेश लेकर आता है। जिससे हम इतना कुछ लेते हैं तो उसको हमें एक प्रणाम निवेदन करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, ये सभ्यता है। और ये हम लोगों का किया हुआ व्यापार है, लाल सिंदूर डाल दो, लाल फूल डाल दो, फिर सूर्य भगवान से ये मांग लो। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। वो जीवनी शक्ति को प्रणाम करना है, इतना ही पर्याप्त था। तो कुछ बच्चे कहने लगे कि अगर प्रणाम नहीं करें तो, मैंने कहा चलेगा, आप जस्ट लुक एट द राइजिंग सन। आप केवल जगते हुए उगते हुए सूर्य के सन्मुख जाकर खड़े हो जाइए, क्योंकि मैं जानता हूं सूर्य के आभा मंडल में इतनी शक्ति है कि एक दिन आप बाध्य हो जाएंगे सूर्य को प्रणाम करने के लिए। आपको खबर भी नहीं पड़ेगी कि आपने कब जाकर प्रणाम कर दिया, आपने कब जाकर अपना मस्तक झुका दिया। सूर्य के आभा मंडल में इतनी सामर्थ्य है, उसका ओज तेज विवश कर देगा आपको मस्तक झुकाने के लिए। तो अपने जीवन में सद्गुणों का विकास किया जाता है। प्रेम सम्मान मांगते मत डोलिए। छीन झपट कर पाए जाने वाली वस्तु या वृत्ति नहीं है प्रेम और सम्मान। प्रेम और सम्मान व्यापार करके नहीं पाया जाता, प्रेम और सम्मान व्यवहार से भी नहीं पाया जाता, प्रेम और सम्मान संस्कार से पाया जाता है। ये संस्कार से मिलने वाली वस्तु है। अपने जीवन का आदर करिए, जीवन का मूल्य पहचानिए, अपने में सद्गुणों का विकास करिए। आप नहीं भी चाहेंगे तो आदर ही मिलेगा, आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आप जहां जाएंगे आपको सम्मान मिलेगा, प्रेम मिलेगा, यश मिलेगा, प्रकृति देगी आपको। और मैं तो कहता हूं कि अपने प्रयास से जो भी पाया जाता है वो एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन जब प्रकृति देती है आपको तो वो आपको भरपूर कर देती है। जिसको तू नवाज दे उसको नवाजे जमाना। सुनते हैं आप लोग, जहां पर कृपा राम की हुई और तहां पर कृपा करे सब कोई। प्रकृति आदर करती है फिर उसका। अब अपने प्रति बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, अपने प्रति ईमानदार हुई। आवश्यकता है जीवन की, मांग है ये। भक्ति तो बहुत आगे का विषय है। सबसे पहले मैं सदा व्यासपीठ से संदेश देता हूं, सबसे पहले आपका जीवन सुंदर बने। मैं तो वृंदावन से आया हूं, लेकिन फिर भी यही कहने के लिए आया हूं और यही कह के जाऊंगा, वृंदावन में घर बने ना बने, घर वृंदावन बने, ये आरंभ आवश्यक है जीवन में। आप जहां रहते हैं वो स्थान पवित्र हो, आपका जीवन सुंदर हो, निर्मल हो, आप में सद्गुणों का विकास हो। ये मानवीय जीवन का सदुपयोग करना है। केवल स्वार्थ की पूर्ति और पुष्टि के लिए ये जीवन नहीं दिया भगवान ने आपको। मैं आपसे पूछूं कि क्या केवल इतना यश गाया है मानव देह का शास्त्रों ने, संतों ने, भक्तों ने, आपको लगता है कि क्या केवल बूढ़े होकर मर जाने के लिए जीवन मिला होगा?
केवल चिंता से, विषाद से, भय से ग्रस्त होकर मर गए आप, बस यही जीवन का उद्देश्य रहा होगा। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथन गावा। हरि की भक्ति की जा सकती है अगर, तो वो मानव देह पाकर ही की जा सकती है। स्वयं स्वयं का इतना उत्थान किया जाए कि कबीर की तरह कोई कहे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। ब्रज की गोपियां जिनके लिए परात्पर परब्रह्म कहते हैं कि देवताओं जितनी आयु पालू तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। रघुनाथ जी को कहना पड़ा, प्रति उपकार करूं का तोरा सनमुख हुई ना सकत मन मोरा। भगवान कह रहे हैं कि प्रति उपकार करो का तोरा, कैसे ऋण चुकाऊंगा तेरे इस उपकार का। तो ये जन्म जीवन पाकर, और कल भी आपसे मैंने कहा, आज फिर कह रहा हूं, और आने वाले दो दिन भी आपको स्मरण दिलाता रहूंगा, आपके मेरे पास तो गौरव करने के लिए, आपके मेरे पास तो गौरव करने के लिए ये पर्याप्त है कि आपको मुझे भरत खंड में ऋषि मुनियों की भूमि में जन्म मिला है। आप यहां मनुष्य होकर आए हैं। मीरा सूर कबीर वल्लभाचार्य चैतन्य रामानुजाचार्य शंकराचार्य इन आचार्यों की चरण शरण आपको मुझे मिली है। विद्या ज्ञान भक्ति प्रेम का अक्षय भंडार वो हमारे लिए छोड़कर गए हैं, और बस थोड़ी सी भूल सुधारने की आवश्यकता है, बस थोड़ी सी। और मैं तो फिर कहूंगा भाई कि पहला कदम यही है, बार बार वर मांगी हूं हर्ष देहूं श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। तो मन और बुद्धि जब एक होते हैं आपका आत्मबल बढ़ता है, और फिर मन बुद्धि चित्त जब एक हो जाते हैं, मन भी कृष्णमय, बुद्धि भी कृष्णमय, चित्त भी कृष्णमय, फिर आपका जो सूक्ष्म अहम है द कॉन्शियस, आप तन नहीं है, आप मन नहीं है, आप बुद्धि नहीं है। अगर आप मन होते तो आप मैं मन कहते, मेरा मन नहीं कहते। अगर आप बुद्धि होते तो आप मैं बुद्धि कहते, मेरी बुद्धि नहीं कहते। अगर आप हृदय होते तो आप मैं हृदय कहते, मेरा हृदय नहीं कहते। आप कहते मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा हृदय, इसका मतलब मेरा कुछ और है और मन बुद्धि कुछ और है। आप इसमें से कुछ भी नहीं है। जो आपकी चेतना है, जो आप हैं, फिर मन बुद्धि चित्त जब भावमय प्रेममय नाममय लीलामय होते हैं, तब आपकी चेतना स्वीकार करती है कि आप कौन हैं। कोई आपसे पूछे कौन, शंकराचार्य से पूछा उनके गुरु ने, द्वार खटखटाया उन्होंने, उनसे पूछा कौन, शंकराचार्य ने ना नाम बताया ना गाम। मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाह न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न भूमिर्न व्योमस् न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। गुरु ने कहा आज तेरी विद्या पूरी हुई, तू स्वस्थ हो गया। आज रोगी जाता है गुरु के पास, स्वस्थ होकर लौटता है। बड़ा सुंदर शब्द है स्वस्थ। आचकित हो जाता हूं मैं कई बार, कितनी समृद्ध है हमारी भाषा। अब क्या करूं, मुझे भी कई बार अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, जबकि मुझे लगता है इट्स द हैंडीकैप लैंग्वेज, अपंग भाषा है ये, अपूर्ण भाषा। पर श्रोता कहते हैं कि आपकी 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 हिंदी इतनी कठिन है, समझ में नहीं आती। अब बहुत सरल हिंदी मुझे नहीं आती, हमारी भाषा ऐसी है कि एक एक शब्द में अर्थ भी निहित है। स्वस्थ दो शब्द हैं, स्वस्थ में एक स्व और एक स्थ, स्थित। जो अपने स्व में स्थित है वो स्वस्थ है, बाकी सब रोगी हैं। बाकी सब रोगी हैं, जो अपने स्व में स्थित है वो स्वस्थ है।
गुरु ने कहा कि शंकराचार्य से कि आज तू स्वस्थ है, तेरी विद्या पूरी हुई, अब तू जा सकता है। गुरु ने पूछा था कौन? चिदानंद रूप शिवोहम शिवो। ज्ञानी स्वस्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि कहकर, भक्त स्वस्थ होता है अहम तवास्मि कहकर। ऐसी परीक्षा श्री कृष्ण ने ली गोपियों की, जब अंतरहित हुए श्री कृष्ण। अच्छा, भगवान अंतर ध्यान नहीं हुए थे, अंतरहित हुए। अंतरहिते भगवती ऐसा भगवत कहती है। अंतरहित होना माने छिप जाना, अंतर ध्यान होना तो है चले जाना, पर श्री कृष्ण चले नहीं गए, श्री कृष्ण छिप गए, छिपे। और छिपे भी कहां? भगवान कहां छिपते हैं? भक्त के हृदय में। देखो भाई, मंदिर प्रतीक हो सकता है भगवान का, पर मेरे तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान रहते वस्तुतः कहां हैं? स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके तुम सब ता, तिनके मन मंदिर बसो सिया सहित द्रुधा। जाही न चाही कबहु कछु। आपको ढूंढना है भगवान तो फिर वहां ढूंढिए। तो अगर भगवान ढूंढना है तो भक्त ढूंढिए, कोई ऐसा भक्त। जाही न चाही कबहु कछु, बस तुम संग सहज स्नेह। कोई ऐसा भक्त जिसके जिव्या पर हो तोरी न टूटे छोड़ी न छूटे ऐसी माधो किंच तनी म्योलालन सो प्रीत बनी म्योलालन सो प्रीत बनी। मुझे लगता है क्या न्योछावर किया जाए तुलसी बाबा की इन दो पंक्तियां पर। जाही न चाही कबहु कछु तुम संग सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर सोरा उर निजगे। जब श्री राम ने पूछा ऋषि से, महामुने आप बताइए अब हम कहां जाकर रहें, तो हंसने लगे ऋषि, पहले तो आप ये बताइए आप कहां नहीं रहते, फिर मैं आपको बताऊं कि आप कहां जाकर रहें। पर फिर भी प्रभु तुम स्वामी हम दासा, आप स्वामी हैं और आप पूछते हैं तो मैं सेवक को उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहां रहूं, तो आपके रहने योग्य स्थान तो एक ही है, स्वामी सखा पितु मात गुरु जिनके तुम सब तात, तिनके मन मंदिर बसो सिया सहित दोहरा। आपके कृष्ण के रहने का स्थान कोई है? नैनों में शाम बसे मन में बनवारी सुध विसरा मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मुरली की धुन प्यारी मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, मन के मधुबन में रास रचाए रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। आप सुनाएंगे? सुनाइए। मन के मधुबन ओ मन के मधुबन में
इसीलिए चर्चा का उद्देश्य यही है बाप। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, मन कैसे मंदिर बने। जैसे स्वस्थ में दो शब्द हैं स्वस्थ, ऐसे मंदिर में भी दो शब्द हैं मन अंदर। आप देखो मंदिर शब्द ही बनाए मन अंदर से, मन के अंदर ही मंदिर हो सकता है वस्तुतः है। जहां प्रेम देव आकर विराजे, हमारे डोंगरे बापा कहते थे रामनवमी मनाओ जन्माष्टमी मनाओ अच्छा है, पर जन्माष्टमी तो तभी है जब हृदय के गोकुल में कन्हैया प्रकट हो, नित देखो तित श्याममयी। ये भगवती कथा और अंतर का मार्जन करने के लिए कथा मन मंदिर बनाने के लिए है। आपके चित्त की वृत्ति अंतर्मुखी हो, आपके चित्त की वृत्ति अंतर्मुखी हो, सदा बाहर देखा है आपने क्योंकि बाहर आपको उजाला दिखाई पड़ता है। आप भीतर देखने का प्रयास इसलिए नहीं करते, भीतर अंधकार है, भय लगता है उस अंधकार से। स्वयं के निकट जब कोई जाता है तो वो प्रथम अनुभव सुखद नहीं होता। एक धूल भरे कक्ष को कोई आपको स्वच्छ करने को कहे तो आप तो जाते हैं कक्ष को स्वच्छ करने, बाहर लौटते हैं तो आप ही धूल से भरे होते हैं। जब अपने निकट पहुंचते हैं आप तो वो अनुभव सुखद नहीं होता, प्रथम अनुभव सुखद नहीं होता। मन के दोष निकल निकल कर सन्मुख आ खड़े होंगे, भीतर छिपी वासनाएं निकल कर आएंगी। जब भी कोई भजन में उतरता है, ध्यान में उतरता है, भाव में उतरता है, तो उतरते ही पहले भगवान नहीं मिलते, भीतर अंधकार है। पर माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीपक जलाना कब मना है। मेरे तुलसी बाबा कहते हैं राम नाम मणि दीप धर जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। पर गांठ बांध कर जाइएगा, कभी प्रभु की झलक मिलेगी तो दिल के आईने में है तस्वीर यार, बस जरा गर्दन झुकाई देख ली। जिस दिन मस्तक झुक जाएगा, और मस्तक झुकने का अर्थ ये हार्ड चाम की गर्दन झुकना नहीं, बस जरा गर्दन झुकाई। जिस दिन विनम्रता आएगी जीवन में, दैन्य आएगा जिस दिन जीवन में, अपने स्वरूप में स्थिति होती है जिस दिन। सूरदास स्वस्थ थे जब श्री महाप्रभु जी से मिले, स्वस्थ थे इसीलिए महाप्रभु का वरद हस्त सर पर पड़ते ही लीला माधुरी प्रकट हो गई, प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। सूरदास स्वस्थ थे इसलिए अपना सच्चा परिचय दिया। या तो लोग मेरे पास आते हैं तो पहले अपना परिचय देते हैं कि बोले महाराज हमको 20 बरस हो गए कथा कराते, 20 बरस हो गए हमको कथा कराते, ये पहला परिचय है हमारा। हर साल किसी ना किसी को बुलाते हैं, किसी ना किसी पर कृपा करते हैं, अब की बार आप पर कर रहे हैं, आप आइए। कुछ कुछ और होता है, वो विनम्रता कुछ और होती है, उसका रंग ढंग कुछ और होता है। आपके चरित्र की गरिमा बढ़ाती है विनम्रता। विनम्र अर्थात दुर्बल नहीं, विनम्र अर्थात दीनहीन नहीं, विनम्र अर्थात भावनात्मक रूप से पंगु नहीं। विनम्रता आपकी गरिमा बढ़ाती है। विद्या ददाति विनयम, शास्त्र कहता है कि जिसके पास विद्या हो उसके पास विनम्रता हो आवश्यक नहीं, पर जिसके पास विनम्रता है अर्थात वो विद्यावान है, उसने जानने योग्य तत्व को जान लिया है, उसने स्वयं के स्वरूप को पहचान लिया। जब भीतर उतरेंगे आप तो भीतर के रोग, भीतर के दोष, भीतर की कामनाएं वासनाएं आपके सन्मुख आकर खड़ी होंगी। कितने लोगों का अनुभव है कि जब भजन करने बैठते हैं तो मन जाने कहां कहां जाता है, मन की छिपी वासनाएं निकल कर आ खड़ी होती हैं आपके सन्मुख। पर घबराइए नहीं, इस द्वंद्व से तो आपको पार जाना ही है। इस द्वंद्व से उस पार जाने का एक ही तरीका है कि द्वंद्व से दो दो हाथ कर लिए जाएं। आज ही इसी क्षण इस यात्रा का आरंभ किया जाए। उतरिए अपने भीतर, भगवान कहीं वहीं छिपे हैं। कौन कहेगा आपके भीतर भगवान नहीं है? कोई कह सकता है कि आपके भीतर भगवान नहीं है? ऐसे ही भगवान भी छिपे, और कहां छिपे? गोपियों के हृदय में जाकर छिपे। हे मनमोहन हे मुरलीधर, हम भी तुमको दिल दे बैठे, पहले ही गम यूं क्या कम थे, एक और मुसीबत ले बैठे।
बड़ी सुंदर बात हमारे श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी गाते थे, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, हृदय आपका अनुभव करता है, नेत्र आपको देख नहीं पाते, दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती हैं दिखलाओ, दिल खोज के तुमको पाता नहीं, दिल खोज के तुमको पाता नहीं, क्योंकि मैंने कहां खोजा, कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां पहुंचा, और तुम्हारी दीद की खातिर कहां कहां पहुंचा, गरीब लुट गया, बामाल हो गया, लेकिन किसी तलक न तेरा आज तक निशान पहुंचा। कोसों दूर चल के जाता है व्यक्ति तीर्थ का दर्शन करने, दो कदम भीतर उतरे अपना मन तीर्थ बन जाए, दो 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 पग भीतर उतरे अपना हृदय तीर्थ बने।